Hey everyone, welcome to my channel. आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक. बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना. तो इसमें स्मोकीनेस के साथ साथ वो ग्लिटर वाला ग्लैम भी है. सो इट इज इजी टू क्रिएट, एट द सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा. पार्टीज के लिए, फेस्टिवल ओकेजन के लिए बहुत ब्यूटीफुल आई मेकअप लुक है. सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखने के लिए हाउ टू क्रिएट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो. सो लेट गेट स्टार्टेड विद टुडेस ट्यूटोरियल. सबसे पहले अपने आईब्रोज को फिलिंग करूंगी. तो उसके लिए मैंने यूज किया है अनस्थेशिया ब्राउ पोमेड. सो यूजुअली मैं यही ब्राउ पोमेड प्रेफर करती हूँ टू फिल इन माई ब्राउज. इसमें मेरा शेड है इबोनी एंड ब्रश के लिए मैंने एंगल ब्रश यूज किया है प्रो आर्ट का. एंड देन मैं एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी प्रोडक्ट को. नेक्स्ट मैं एक कंसीलर यूज करूंगी. यहाँ पे मैं यूज करूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर इन दी शेड 25 एंड यहाँ पे एक कंसीलर ब्रश यूज कर रही हूँ. दिस इज फ्रॉम प्रो आर्ट कंसीलर ब्रश. तो इसके हेल्प से मैं सबसे पहले आईब्रोज को कर्व आउट कर लूंगी एंड सेम कंसीलर को मैं अपने आईलिड पे भी अप्लाई करूंगी टू कंसील माय आईलिड एंड बढ़िया सा बेस बनाने के लिए. सो आई प्रेफर कंसीलर ओवर एनी आई शेडो बेस बिकॉज कंसीलर से आपका जो भी पिगमेंटेशन है बहुत अच्छे से हाइड होता है. तो आप चाहो तो यहाँ पे आई शेडो बेस भी यूज कर सकते हो. सेम थिंग मैं अपर पोर्शन में भी कर लूंगी ताकि आईब्रोज क्लीन लगे. एंड इसके बाद मैं अच्छे से सेट कर लूंगी आईलिड को विद पिट मी लूज पाउडर आई एम इन द शेड 20. जहाँ पे भी कंसीलर अप्लाई किया है वहां पे मैं अप्लाई करके सेट कर लूंगी. सो इम्पॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको अच्छा सा क्रीज कलर डिफाइन करना है तो, बिकॉज अगर आप वेट आई बेस के ऊपर तुरंत कोई आई शेडो ब्लेंड करने जाओगे तो वो पैच ही दिख सकता है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक सेलो टेप अप्लाई करूंगी आउटर वी की तरफ शार्प एजेस के लिए. एंड सबसे पहले मैं ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूँ एंड यहाँ पे जो आई शेडो पैलेट मैं यूज कर रही हूँ दैट इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट. लिंक आपको हर एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो यहाँ पे ब्रश के लिए मैंने पेंसिल ब्रश यूज किया है सिग्मा ब्यूटी का एंड ब्लैक शर्ट को मैं आउटर वी पे अप्लाई करूंगी. अगर आपको कुकिंग का शौक है तो यू कैन चेक आउट माई सिस्टर चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा. बहुत अच्छा अच्छा कुकिंग करती है. So do check out her channel if you are interested in cooking or नए नए recipes try करना है तो, and also support her. Next मैं एक brown shade के साथ अच्छे से blend कर लूंगी black shade के edges को. So थोड़ा सा time दे blending में और जब आप darker shade के साथ काम करो तो थोड़ा सा ज़्यादा time दे और precisely काम करे. तो मैं ब्राउन शेड को ही अपने क्रीज पे भी अप्लाई करूंगी एज माय ट्रांजिशन शेड एंड ब्लैक शेड के एजेस को भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी विद दैट ब्राउन शेड. नेक्स्ट मैं यहाँ पे लाइट ब्रॉन्जी काइंड ऑफ शेड को अप्लाई करूंगी. ये शिमरी शेड है, बहुत ब्यूटीफुल शेड है ये. इसको मैं अप्लाई करूंगी मिड आईलिड पे. मैं इनर वी पे अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं की हूँ. सो ब्लैक के बाद मुझे ये शेड अप्लाई करना है एंड अगेन मैं ब्लैक शेड के साथ अच्छे से एजेस को ब्लेंड कर लूंगी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आई मेकअप में. कभी भी दोनों शेड अप्लाई करो तो उसके बीच में अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आई मेकअप उतना ब्यूटीफुल टर्न आउट नहीं होता है. नेक्स्ट मैं सैम्पेन काइंड ऑफ शेड को अप्लाई करूंगी इनर वी के तरफ. सो एज यू कैन सी मैं एक ट्रांजिशन क्रिएट की हूँ फ्रॉम लाइटर शेड टू डार्कर शेड और साथ में स्मोकीनेस भी क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक शेड. तो अगेन मैं लाइटर ब्रॉन्जी शेड के साथ शैम्पेन शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी.
नेक्स्ट मैं लाइट गोल्डन ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करूँगी और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मिड आईलिड पे, सो पूरे आईलिड पे मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो ग्लिटर शेडो ऑलवेज लोअर लाइट पे बहुत अच्छे से पिक होता है कैमरे पे, सो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना लाइटिंग सेटअप चेंज की हूँ यहाँ पे ताकि अच्छे से ग्लिटर दिखाई पड़े मेरे कैमरे पे भी। इसके बाद मैं एक आईलाइनर अप्लाई करूंगी, सो यहाँ पे मैं लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। दिस वन इज फ्रॉम फेसेस कैनरा। सो अगर आप ग्लिटर अप्लाई कर रहे हो ना तो आपको लिक्विड आईलाइनर ही अप्लाई करना चाहिए, सो ये बहुत इजी होता है अप्लाई करने में। अदरवाइज ग्लिटर के ऊपर आप जेल आईलाइनर या फिर स्केच आईलाइनर नहीं यूज कर पाओगे, बड़ा दिक्कत होता है वो यूज करना। सो आई प्रेफर लिक्विड आईलाइनर जब भी मैं ग्लिटर के साथ काम करती हूँ, और अदरवाइज आप पहले लाइनर ड्रॉ कर लो एंड देन ग्लिटर अप्लाई कर लो। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट की हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और इसके हेल्प से मैं एक लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूंगी एंड थोड़ा सा थिक काजल अप्लाई करूंगी एंड अगेन मैं ब्लैक शेडो के साथ स्मोक आउट करूंगी अपने लोअर लैशेस को, सो वो स्मोकीनेस के लिए लोअर लैशेस पे एंड बैलेंस आउट भी करने के लिए जैसे अपर लैशेस पे है वैसा ही। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेडो के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी लोअर लैश लाइन को। मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ रोलर लैश मस्कारा फ्रॉम बेनिफिट, सो दिस इज अ नाइस प्रोडक्ट, यू कैन ट्राई इट। तो इसको मैं अच्छे से कोट कर लूंगी लोअर एंड अपर लैशेस पे। इसके बाद मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी विथ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटर इन द शेड प्रीशियस पेटल। बहुत ही ब्यूटीफुल हाईलाइटर है फॉर इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन। फॉल्स आई लैशेज भी अप्लाई की हूँ फ्रॉम पैक N75। सो अगर आपको फॉल्स आई लैशेज के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो जल्दी आने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का आई मेकअप ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।